केंद्र के मंत्री माननीय गिरिराज जी और सभी पार्टी के नेतागण, हमारे मेयर साहब सुगंधर बाबू एवं पार्टी और संगठन गठबंधन सभी के नेतागण आज हमारे बीच उपस्थित हैं। काफी लंबी बात चल रही है और आज का ये सम्मान देने का है अपने आपने जिस सांसद को बनाया, सांसद वो आज हमारे हिमालय भारत के केंद्रीय सरकार के मंत्री बनकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर हमारा सांसद से सांसद होता तो हम बेगूसराय तक सीमित रखते, लेकिन ये पूरे देश के हैं इसलिए बेगूसराय की जनता इनको और साथ लेकर केंद्र में पूरे काम करने के लिए छूट देगी और अपना हक भी मांगे। आज हमारे बीच सभी लोग सब बात बोलते बोल गए, अब ज्यादा बोलने से अच्छा है कि गिरिराज जी क्षेत्र से जीत कर गए हैं और हमारी जीत अभूतपूर्व है, हमारी सफलता बेमिसाल है और उसका वो कारण भी। अगर आज हम कंटेस्ट में होते हमारा जो प्रतिद्वंदी आज सामने खड़ा दिखा, अगर वो हमारे कंटेस्ट में आता तो हमारे जिले के लिए बदनुमा दाग होता, हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए। वो न किसी गांव का है, न किसी जिला का है, न किसी प्रांत का है, न देश का है। जो देश को तोड़ने की बात करता है वो देश का नहीं होता और आपकी जवाब और ऐसा ही जवाब हमको मिलकर देना चाहिए था और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो करके दिखाया उसका आपने विश्वास दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री जी का काम होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का विश्वास होता है और हम लोगों का काम जो जमीन पर किया हुआ था आज इकट्ठा होकर हमारी जनता, हमारे हमारे मतदाता इसके सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता भी उससे कम नहीं है और सब मिलकर हमारे हमने जिनको अपना विश्वास दिया वो हमारे बीच आज हैं। आप उनको सुनेंगे, आप उनको देखेंगे और उनके स्वागत में बहुत से लोग अभी सबों का बोलना बाकी है इसलिए सबों को सुनना है, इसलिए हम अपनी बात को आज संक्षेप में करते हुए हमको जो भी बातें करनी होगी अगली बैठक में या वो पार्टी की बैठक हो या पब्लिक बैठक हो जैसा भी होगा हम लोग उसमें बात करेंगे। आज लंबी बात नहीं करनी है इसलिए हम